हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपका स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लासी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 27 मार्च करंट अफेयर। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दोगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करोगे ताकि ये जो हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को कोरोना लॉकडाउन के समय अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ रही है? तो वो किसको करने की पड़ रही है? वो कर रही है फ्लिपकार्ट। कौन कर रही है? फ्लिपकार्ट। पीएम मोदी द्वारा 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा के बाद ई कॉमर्स कंपनी जो फ्लिपकार्ट ने है अपने सेवाएं बंद कर दिए, इस बात की खबर फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट पर दी है। इसके साथ साथ अमेजोन ने सिर्फ अपने ज़रूरी सामान के लिए ही अपनी सेवाएं देने की बात कही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन दो। हाल ही में किस सरकारी विभाग ने इजाज़त दी है कि नए मिटने वाले सही का उपयोग क्वारंटीन लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है? यानी जो कोरोना वायरस का पहचान करने के लिए है, इसके लिए लोगों को प्रयोग किया जा सकता है, ये विभाग ने किसने दिया? तो ये दिए निर्वाचन विभाग ने, इसकी इजाज़त दी है कि वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों अधिकारियों को घर पर क्वारंटीन कर लोगों की पहचान करने के लिए ना मिटने वाली जो सही है उसका इस्तेमाल करने का इजाज़त दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय और इसके लिए लगाए जाने वाले चिन्ह के मानकीकरण करने और इसे शरीर पर किस स्थान पर लगाना है इस बारे में विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसे बाएं हाथ की उंगली पर ना लगाए ताकि चुनाव के समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। आगे देखेंगे क्वेश्चन तीन। भारत और किस देश की सेना ने रियूनियन द्वीप से पहली बार संयुक्त गश्त का आयोजन किया? तो वो क्या है? भारत और फ्रांस की देश की सेनाओं ने। भारतीय दृष्टिकोण से इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना, विदेशी भागीदारों के साथ साझेदारी में सुधार करना था। यह अभ्यास पूर्वी अफ्रीकी तटरेखा से लेकर मलक्का जल जलडमारदुम मध्यम तक किया गया। भारत ने अब तक इस प्रकार की संयुक्त गश्त का आयोजन केवल अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ किया है। संयुक्त गश्त भारतीय नौसेना के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण गतिविधि है। आगे देखेंगे क्वेश्चन चार। किस प्रसिद्ध अफ्रीकी गायक और सेक्सोफोन वादक का कोरोना वायरस के कारण जो है 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो है मनु डिबोगो का। मनु डिबोगो का जो जन्म है वो है 12 दिसंबर 1933 को फ्रेंच कैमरून में हुआ था। मनु डिबोगो वर्ष 1972 में जारी उनके गाने सोल माक्सो के लिए जाना जाता है। सोल माक्सो वैश्विक संगीत परिदृश्य में सबसे शुरुआती हिट गानों में से एक था। उन्होंने फ्रांस में पढ़ाई की और हाई स्कूल से ही वाद्य यंत्र सीखना शुरू किया था। आगे देखें क्वेश्चन पाँच। पाँच नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हिरासत में लिए गए और लापता जो स्टाफ सदस्य है के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? वो कब मनाया गया? वो मनाया गया था 25 मार्च 2020 को। यह दिवस एंकलिक कोलेट के अपहरण के स्मरण में मनाया जाता है। वह एक पूर्व पत्रकार था जो फिलिपिस्तानी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के लिए काम कर रहा था। 1985 में उन्हें सशस्त्र बंदूकधारियों द्वारा अगवा कर लिया गया था। उनका शरीर है जो आखिरकार 2009 में लेबनान की बेका घाटी में मिला था। आगे देखेंगे क्वेश्चन छः। 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो G20 सम्मेलन है वो किस देश ने कराया? तो किस देश ने कराया? वो कराया सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में दुनिया भर के बड़े देशों ने हिस्सा लिया था और मिलकर इस बीमारी से, यानी जो अभी चल रही है बीमारी कोरोना वायरस, उसे लड़ने के लिए बातचीत की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन में वीडियो जो कॉन्फ्रेंस है उसके जरिए हिस्सा लिया था। आगे देखें जो आज का सवाल आपके लिए, जिसका आपको राइट आंसर देना है कमेंट के द्वारा। देख लेते हैं जो आज का सवाल आपके लिए, सवाल क्या है वो है, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला जो कोरोना वायरस सेंटर है कौन से अस्पताल में मनाया गया है? तो कौन से में मनाया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फोर्टिस अस्पताल, ग्लोबल अस्पताल अस्पताल या सेवन हिल्स अस्पताल या कोहिनूर अस्पताल। अपने जो राइट आंसर है वो नीचे कमेंट के द्वारा दे सकते हैं कि कौन सा जो हॉस्पिटल है वो कोरोना वायरस सेंटर के रूप में मनाया गया है रिलायंस फाउंडेशन द्वारा।
अपने जो राइट आंसर वो नीचे कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। अगर आपका राइट आंसर रहता है तो अगली वीडियो में आपका नाम दिया जाएगा। देख लेते हैं पिछली वीडियो की सही जवाब जाने वाले विजेता और उसके क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वो लिए शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार इसकी शपथ ली है और सही जवाब दिया हुआ है प्रियंका कुमारी, प्रियंका सक्सेना, विनिकेत कुमार, शारदा देवी और चंदना राम। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामना। उम्मीद करें आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ हमारी जो साथ साथ में एक साइंस की जो सीरीज चल रही है, वन लाइन क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसको भी देखें। अगर आपको उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, या आपको वीडियो के आखिर में अभी थंबल दिखाई दे उसके द्वारा भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और घर पर सुरक्षित रहें।